जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नेवी की जॉइनिंग के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो मैंने जो नेवी का एग्ज़ाम क्लियर किया था, नेवी की जॉइनिंग तक आई थी, उसके रिगार्डिंग क्या सब था, ठीक। और हाँ, ये सब बताने के बाद एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, मैंने वो जॉइनिंग नेवी वाली ज्वाइन नहीं करी थी ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई यूँ ही फेंक रहा है, जॉइनिंग आ चुकी थी बट कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैंने जॉइनिंग नहीं ली थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ जॉइनिंग का क्या सीन था। तो मैंने जो पहले दो बार भरे थे नेवी के फॉर्म, तो जो सबसे पहली बार जो होता है, जैसे कि सेंटर पे बुला के जो एग्ज़ाम होते थे, फिजिकल हो गया, रिटर्न, एक ही दिन में हो जाता है वो सारा काम, वो वाला फॉर्म भरा था, लेकिन उसके लिए मैं गया नहीं था, उसके भी कुछ कारण थे, दिल्ली में था मैं इस वजह से, ठीक है। और जो इस बार वाली जो नेवी भर्ती हुई है उसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि जैसे कोई राजस्थान वाला है तो उसको जोधपुर बुलाया जाएगा, हरियाणा वाला उसको शायद अम्बाला बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इस बार की जो नेवी की जो अगर इन्होंने ऑफलाइन करवाई वो भर्ती, 10,000 बंदे जो बुलाने की बात करी, वैसा करा तो यही करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो फॉर्म भरा था वो मैंने कौन सा भरा था, ऑनलाइन वाला, ठीक। इसमें पहले अपने को एग्ज़ाम देना होता था, एग्ज़ाम के बाद उसका रिजल्ट और उसके बाद जो भी फिजिकल वगैरह होते थे, ठीक है। तो एग्ज़ाम की बात ऐसी थी कि उस टाइम पर जो मिनिमम कट ऑफ वगैरह मांगते थे हर सब्जेक्ट की, वो थी 99 के अराउंड, ठीक। तो मैथ्स और फिजिक्स और इंग्लिश, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि कह सकते हैं नेवी के लिए कि ये स्कोरिंग है। जीके में इट डिपेंड्स कि आप लोगों की जीके कैसी है, मेरी जीके इतनी बढ़िया है नहीं, तो मेरे को तो रीजनिंग के भरोसे उसमें वो जो भी सेक्शन जो था जीके वाला, जीएस वाला, उसको मैंने रीजनिंग के भरोसे और एक आधे जो करंट अफेयर वाले थे उनके अकॉर्डिंग ही मैंने वो सब क्लियर किया था, ठीक। अदरवाइज जो मैथ्स और फिजिक्स और इंग्लिश ये थे, ये मैंने अच्छे से पढ़े थे, इनके बेसिस पे मैंने वो क्लियर करा था वो वाला जो नेवी का एग्ज़ाम था। और हाँ, जैसे मेरा एग्ज़ाम में क्लियर हो गया था, उसके बाद मेरा जो सेंटर आया था वो दिल्ली आया था, फिजिकल और मेडिकल दोनों के लिए। एक चीज़ याद रखना, नेवी का जो एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, उसके रिजल्ट के बाद जब आपका फिजिकल होगा, अगर आपने फिजिकल पास कर लिया तो उसी दिन आपका मेडिकल भी हो जाता है। और एक चीज़ और, हाँ, नेवी में ज्वाइन करना एयर फोर्स के कंपेरिजन में आसान है। किस वे में, कि इसका सिर्फ हमें पेपर पास करना होता है। नेवी में सिर्फ अगर आपने पेपर पास कर लिया तो आपके फिजिकल और मेडिकल में निकलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन एयरफोर्स का क्या होता है, इसमें थोड़ा उल्टा होता है, इसका पेपर आप थोड़ा ठीक ढंग से पास कर देंगे लेकिन उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है और इसका मेडिकल भी एक पूरे दिन चलता है, इसमें बहुत से टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या कि नेवी वाली जो अगर किसी को करना है, इस बार अगर किसी की आने वाली है, जो भी है, एडमिट कार्ड आएंगे जो भी, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो डालूंगा अभी, फिजिक्स और ये सब के रिगार्डिंग। और हाँ, पढ़ते रहो अपने अच्छे हिसाब से, टोटली किसी एक बंदे पे डिपेंड मत रहना कि यूट्यूब के भरोसे कि हाँ भाई ये करवा देगा सारा, नहीं, खुद को भी पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, बाकी जो भी है वो करवाता रहूँगा। तो हाँ, मैं बता रहा था कि फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद क्या, फिजिकल बिल्कुल बेसिक, 7 मिनट में वो दौड़, पुशअप्स और उठक बैठक वगैरह जो भी। और कुछ बोलते हैं ना कि भाई बहुत टिपिकल होते हैं नेवी की पुशअप्स वगैरह, नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं था भाई, बिल्कुल नॉर्मल हुई थी, एक एक दो दो सेकेंड का होल्ड था जो कि नॉर्मली बंदा आराम से कर सकता है, ठीक। फिजिकल की बात कुछ ऐसी थी बिल्कुल ही ईजी, जिसमें मतलब इतना कोई टिपिकल वाली बात थी नहीं, तो इसमें एक दो बच्चे निकले थे। उसके बाद जो मेडिकल हुआ, मेडिकल भी बहुत ही ईजी, जिसको बोल सकते हैं लाइक 1-1.5 घंटे में हमारा पूरा मेडिकल हो गया था नेवी का, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा कि किस हिसाब से, मतलब जो नेवी का जो भी मेडिकल हुआ था उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी जो वहाँ पर उन्होंने चेक करी थी, ठीक है। बाकी भाई, वीडियो जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, ताकि मेरे को भी कुछ पता चले कि हाँ तुम लोगों सुन रहे हो नहीं सुन रहे, जैसा भी है, और किसी को कैसा भी डाउट हो, मेरे को मेरे इंस्टाग्राम आईडी @dreamairforceXY इस पे या फिर @ayushsaini99 किसी पे भी मैसेज कर देना, आई विल बी देयर टू हेल्प यू, ठीक है। बाकी वीडियोस वगैरह आती रहेंगी और मेहनत के लगे रहो यार, जॉइनिंग बहुत आसानी से मिल जाती है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस ये कि हाँ सिर्फ बात करने से कुछ ही नहीं होगा। अगर तुम सोचोगे कि हाँ भाई हमें करना है, ज्वाइन करना है, बस बातें मार रहे हो, बकचोदियाँ काट रहे हो, इधर से उधर यूट्यूब पे घूम रहे हो, ये है वो है, ऐसा करने से कुछ ही नहीं होगा। बस सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर करना है किताब उठाओ, जो भी इसकी बुक्स होती हैं यार, अरियंत वाली, एसके वाली, जो भी, मतलब एनीवन, बस उसमें कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए, लाओ पढ़ना शुरू करो, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ ही नहीं है, ठीक। यूट्यूब पे आओ, मैं ये नहीं बोला यूट्यूब की वीडियो मत देखो, पर देखो, लेकिन उनमें बस जस्ट इतना है कि आओ देखो कि हाँ क्या कंटेंट, जैसे अगर मैं मेरी कोई वीडियो डालूँ तो अगर आप उसको देखो तो इस हिसाब से देखो कि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आप सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, इसके अलावा अपनी मेहनत करते रहो, जो भी फिजिक्स इंग्लिश जो भी है, इंग्लिश में इनके रूल्स हैं, फिजिक्स के फॉर्मूले, मैथ्स के फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कैसा भी डाउट हो आप मेरे को बता देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।